राजस्थान में ऐसा कल्चर नहीं है। वो कहते हैं क्या पतंग उड़ाता है यार, क्या है कोई आनी है। तो अभी हम पतंग उड़ा रहे हैं। स्वागत करते हैं दोस्तों, आज का हमारा व्लॉग खास होने वाला है काइट फेस्टिवल के ऊपर। तो आज हम लोग अंदर चलेंगे और देखेंगे कितने टाइप के यहाँ पर काइट उड़ रहे हैं। चलो मजे करते हैं। मेरे पीछे देख सकते हो ये जो बड़ी जो 250 है ना, कितनी काइट ये सर हमारे पास जो अभी ये आप जो तिरंग चक्र की देख रहे हैं। हाँ, ये वाली काइट हमारी 250 अबव है। 250 से ज़्यादा, जैसे हमारा जो बेस्ट रिकॉर्ड है वो 500 अबव का रह चुका है। तो अभी हमारा क्या जो थीम पर काम करने का काम होता है कि हम भी मेकिंग करते हैं जो काइट की बनी हुई है, हम कैसे आप ही करते हैं, हम ही खुद बनाते हैं। तो इसको बनाने का जो हमारा सबसे पहला थीम रहता है वो ये रहता है कि किसी के ऊपर मैसेज में, जैसे कि हम सेव अर्थ का एक मैसेज लेकर आए हैं इस बार G20 के प्रमोट करने के लिए भी हमने 250 काइट्स बनाया जो कि उधर उड़ रहा है, आपने देखा होगा। उसके अलावा हमारे पास सेव अर्थ के अलावा जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी एक है, जिसमें राजकोट स्टेडियम के अंदर से हमें सम्मानित भी किया गया था, हमने वहाँ से भी पतंग उड़ाई हुई है। और उसके अलावा लिफ्टर्स है, हमने काइट्स के अंदर बॉक्स काइट मेकिंग बनाई हुई है जो कि चाइना की प्रसिद्ध काइट है, जो कि चारों तरफ से स्क्वायर पैटर्न के अंदर खुली हुई होती है, लेकिन उसको एज ए साइंटिफिक देखा जाए तो उसको उड़ाना वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, वो भी हमने उड़ा के, और हम 2014 से गुजरात फेस्टिवल अटेंड कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का, यहाँ का अरेंजमेंट देख करके काफ़ी बहुत खुशी होती है कि काइट्स को भी लोग इतना प्यार कर सकते हैं। बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि हम ड्रीम करते हैं, हम उड़ाना ऐसे हमको अच्छा लगता है, हम ऐसा करते हैं। तो हमारे यहाँ पर राजस्थान में ऐसा कल्चर नहीं है। वो कहते हैं क्या पतंग उड़ाता है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन सर यहाँ पर जो लोगों का आना, लोगों का यहाँ पर देखना, उन चीज़ों को सबको मोटिव करना, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि यार गुजरात में इस चीज़ को हमेशा चलाया जाए और ये बढ़ता रहे। वो तो बढ़ता ही रहेगा और आपको हर साल बुलाएंगे। अरे बिल्कुल सर, श्योर, हम आते भी रहेंगे। आप लोगों तो का वैसे प्यार रहेगा तो क्यों नहीं। आप ये इतनी काइट उड़ाते हो तो वैसे आपकी इंस्पिरेशन क्या थी, आपको किस बात से? सर हमारा जैसे रिकॉर्ड कभी खत्म नहीं होता, जैसे कि अच्छा, आप जानते हैं नए रिकॉर्ड बनाते ही रहता है। तो अभी हमारा 500 है, हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं 600 हो, 700 हो, 800 हो, इवन 1000 अबव हो। जिस दिन तक रिकॉर्ड नहीं रुके, हाथों में दम रहे, हवा अच्छी चलती रहे, खींचते रहे, जैसे कि देखिए अभी बिल्कुल डाउन हो गया, अभी बिल्कुल नीचे, रन करना हल्का, रन करो एक बार, ये भी देखिए, तो एक नहीं संभलती है। लेकिन यहाँ पर हम जिस तरीके से गाइड करते हैं काइट को, बढ़ा करके उतारना, उसके बाद जब ज़्यादा विन होती है तो वजन 70 किलो तक जाता है, उसको वापस सिर करके ले करके नीचे आना, उस पतंग को संभालना, ये बहुत। तो अगर आपके बारे में और जानना हो बिल्कुल, तो आप क्या बताना चाहोगे? बिल्कुल सर, जैसे कि इंस्टाग्राम पे बेसिकली मैं अभी कोई अकाउंट नहीं बनाया इसलिए क्योंकि हमारा बिजी रहता है काफी टाइम। लेकिन सर ये है कि अभी हम बहुत जल्दी हमारा चैनल बनाने वाले हैं जिसका नाम होगा लेक सिटी गाइड्स क्लब, और उस पर आपको जल्दी से जल्दी हम जब आप होगा तो आपको शेयर करेंगे, ताकि आप अपने फ्रेंड्स से और सभी दोस्तों से कहिएगा कि हमें देखें। तो हम हर बार एक मैसेज लाएंगे और आप लोगों को हमेशा बताएंगे कि कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन बढ़ती रहे युवा की, यूथ की और हमारे देश की।
चलिए हमारे साथ कबीर भाई। तो कबीर भाई हमें अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, क्या करते हैं, कैसे गाइड कर रहे हैं, बताइए कबीर भाई। मैं खुद उड़ीसा से आया हूँ इधर प्रोग्राम करने के लिए, बट इधर मेरा प्रोग्राम 2 साल हुआ है। बट इधर प्रोग्राम करते करते मेरा 3 साल हुआ पर पार्टिसिपेट करने के लिए। बट ये अभी इंटरनेशनल प्रोग्राम आ रहा है, इंटरनेशनल प्रोग्राम है यहाँ पे, बट हर कंट्री से आ रहे हैं इधर लोग, मतलब किसका कटिंग का किस किस का हवा के वजह से अच्छा अभी हो रहा है। इधर हम लोग का इलाका में अलग होता है, इधर इलाका में अलग हवा होता है, इसकी वजह से अभी हवा नहीं है तो कटिंग का पतंग उड़ाना में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, पर जब भी हवा होता है वो छाव भर जाता है इधर का। हाँ इनके भाई, ये हमारे भाई उड़ीसा वाले, आपने हमारा तो लिया ही था इंटरव्यू, बट साथ में मैं बताना चाहूँगा जितने ये टैलेंटेड है उतने मेहनती भी हैं। चाहे हवा चले ना चले, इट्स नॉट अ परफेक्ट ओपिन, बट अभी भी इन्होंने ट्राई किया ऐसा रिंग काइट जिसको उड़ाने में, खींचने में, बढ़ाने में काफ़ी टाइम लगता है, बट ही इज़ वेरी टैलेंटेड कि ये मदद करते हैं। ये जहाँ जाते हैं इनका ये नहीं होता है मुझे बैठना है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को दिखाने के लिए आते हैं और ये मेहनत करते भी हैं, तो इनके लिए मैं हमेशा प्राउड फील करता हूँ। क्या बात है कबीर भाई, साहब ने इनकी पतंग को टेक किया है, पता है नरेंद्र मोदी सर ने हमारे, उन्होंने इनके लिए पतंग को टेक किया है, जो यहाँ से आई लव गुजरात और हमारा ट्रेन का सब इनका हमारा सब का डाला हुआ, उन्होंने पोस्ट किया पर्सनली, उनके लिए भी एक लेटर भी बना हुआ है हमारी आई लव मोदी करके भी। अभी हवा नहीं हो करके इसलिए नहीं उड़ा रहे हम लोग, नहीं तो इंडिया में किसी के पास लेटर कार्ड नहीं है जैसा कि हमारे पास है, इंडिया में किसी के पास नहीं है, ओनली 4 कंट्री में है, बट इंडिया में प्रोफेशनल हिसाब से देखने से हमारे पास है लेटर कार्ड। और लेटर कार्ड में जो भी नाम, कोई कंपनी, कोई नाम, किसी का बर्थडे, किसी का एनिवर्सरी, ये सब उड़ा सकते हो हम लोग, ऐसा एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हो हम लोग। क्या बात है। तो ये थे हमारे प्यारे कबीर भाई, मैं इनकी इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे टैग कर दूंगा, आप लोग जाके जरूर उनसे फॉलो करना भाई और उनको सपोर्ट करो भाई, फुल सपोर्ट करो। तो दो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्या काइट चला रहा है ये। तो भाई ये रहा अपना छोटा भाई काशी भाई, काशी बहुत अच्छा काइट चला रहा है, ये देखो किसकी काइट दिख रही है आपको। वैसा ही फेस आ रहा है, आप कमेंट में मुझे जरूर बताना कि क्या इनका फेस ऐसा नहीं है, या मुझे बोल रहे कि तू मजाक कर रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना।